मैं डॉक्टर सुनील कांबे, प्रैक्टिसिंग एज ए डायबिटीज केयर इन मुंबई महाराष्ट्र। डायबिटीज के चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम फ्रेंड हमने डिस्कस किया था डायबिटीज केयर इन मानसो, आज वही टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, क्या केयर करना है। कॉमन डिफरेंस आज मैं टॉपिक डिवाइड कर रहा हूँ 1, 2, 3 के। फर्स्ट क्राइटेरिया कॉमनली अगर आपने देखा कि मानसून में ट्रैफिक जाम, ऑटो लॉगिंग के इश्यूज काफ़ी हो जाते हैं। ट्रैफिक जाम अगर आपको पता है कि आपको 1 या 2 घंटे का बड़ा जर्नी करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर आपके मेडिसिन या कुछ खाने के 3 घंटे हो गए तो कुछ थोड़ा सा हल्का स्नैक लेके आप अपने जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 2 घंटे या ज़्यादा का जर्नी है, तो प्रेफरेबली आपके साथ कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें डेफिनेटली रखिए। क्या है, मानसून है, बारिश कभी ज़्यादा है, ट्रैफिक जाम, ये कोई चीज़ें बता के नहीं आती। तो अगर आपके साथ में कुछ खाने की चीज़ें रहेंगी तो आपको लो शुगर होने के चांसेस कम है। सेकंड, अगर आप जर्नी में हो या कुछ हो, तो डेफिनेटली अगर बॉइल कोल्ड वाटर या मिनरल वाटर आपके साथ रहेगा तो और एक अच्छी बात हो जाती है। सेकंड, अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप कुछ खा के अपने जर्नी स्टार्ट कीजिए प्रेफरेबली, और कुछ स्नैक्स आपके पास है। लेकिन टाइप 1 में फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप अकंपनी रिलेटिव, मैंने आपके साथ जो जर्नी कर रहे जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता चाहिए कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है। सेकंड थिंग, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर आपका शुगर लो हो रहा है तो क्या करना है ये पता चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट, अगर आप अकेले जर्नी कर रहे हैं, आपके लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपके आपके पास डेफिनेटली एक क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिटी का कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो इजीली हाईलाइट होना चाहिए लोगों को। क्योंकि अगर इनके कुछ डिफ़िकल्टी आपको फेस हो रही है तो जो आपके साथ में जर्नी कर रहे हैं वो आपको इमिजिएटली कुछ हेल्प गाइड हेल्प कर पाएंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स है कि वाटर लॉगिंग का इम्पॉर्टेंट फैक्टर में हम लोग कंसिडर करके जाते हैं। मानसून में वो वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, कभी कभी पानी भरा रहता है, लोग उसमें चल के अपना घर या ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऐसे हालत में फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिनको पैर में ज़ख्म है या कुछ घाव है, अगर ये पानी से वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको थोड़े से इन्फेक्शन या पैर का इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। वाटर बॉर्न जो कंटामिनेटेड वाटर बॉर्न से जो खराब पानी से होने वाली बीमारी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एज वेल एज अगर वो पानी से पैर में होने वाले इन्फेक्शन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बेटर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ ऐसे ये जो पानी भरा रहता है उससे जाना, अगर जितना अवॉइड कर पाएंगे उतना अवॉइड कीजिए। अगर वो चीज़ आपको पॉसिबल नहीं है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि नहीं जाना ही पड़ता है, तो मेक श्योर आप अपना पैर का केयर बहुत कीजिए। और अगर कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स आपको लग रहे हैं पैर में, या जैसे कि रेडनेस आ रहा है, पस आ रहा है, पैर ज़्यादा दुख रहा है, तो इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। अगर उससे आपको बचना है तो आपकी तो वाटर से आप जब पानी भरे आप जिसे वॉक कर रहे हो, अगर उससे आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास कंसल्ट करें तो यही एक सेफ्टी मेजर्स में मैं कंसिडर करके चलता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। इंफॉर्मेशन में यही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे हर एक व्यूअर से, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री है। और इधर ही मत चुके ये इंफॉर्मेशन आप हर एक पे के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन सही पेशेंट के जाना एक बहुत बड़ा हम लोग काम करके जाएंगे, जिसे बोलते बूंद बूंद बनता सागा। फ्रेंड्स, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, डायबिटीज़ के साथ अच्छी ज़िंदगी जी। नमस्ते।